हेलो दोस्तों, ये कहना बुरा नहीं होगा कि मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन जा चुका है और जाने भी वाला है, और बस आज के डेट में थोड़ा बहुत जो है शॉर्ट रिकवरिंग देखने को मिला है। मार्केट दोस्तों 12,500 से, यहाँ देख सकते हो 12,500 से यहाँ पर देख लो दोस्तों 8,500 तक पहुँच। लेकिन बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि दोस्तों मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है, बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है, क्या किया जाए दोस्तों, डाउन पे डाउन जा रहा है। लेकिन एक चीज़ तो आपको सोचना चाहिए दोस्तों, मार्केट जितना ज़्यादा डाउन जा रहा है उतना ही स्टॉक का प्राइस क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। और ये अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, आपके पास कुछ ऐसे स्टॉक है जिनका प्राइस बहुत ही लोअर लेवल पर मिल रहा है, अगर आप उसको खरीद लोगे तो आपको अच्छा से अच्छा इंटरेस्ट दे सकता है दोस्तों ये गिरते हुए मार्केट में। और वो स्टॉक है दोस्तों वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया आज के डेट में भी यहाँ पर देख सकते हो 33.33, मतलब कि दोस्तों आपको मतलब 33% का रिटर्न वो भी एक दिन के अंदर दे दिया दोस्तों। ये स्टॉक में बहुत ज़्यादा तेज़ी है, और मैं तो बोलूँगा भाई आँख नाक मुंह जितना भी हो सके हर एक चीज़ बंद कर लो और ऐसे स्टॉक को खरीद लो भाई। ये बहुत ही कम दाम में आपको मिल रहा और गिरते हुए मार्केट में इसने तेज़ी दिखाई। आज के डेट में थोड़ा बहुत अपर सर्किट लगा है मार्केट में, लेकिन वो शॉर्ट रिकवरिंग है, ठीक है, वो पूरा जो है मार्केट रिकवर नहीं हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों मैं बोलूंगा ये प्राइस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, मैं बोल रहा हूँ दोस्तों ये प्राइस पे आपको खरीदना ही खरीदना है करके। और ये जो भी खरीदना है दोस्तों वो एक या दो दिन के लिए नहीं है, ठीक है, एक या दो दिन के लिए खरीदना नहीं है कि दोस्तों एक दो दिन में ही आपको 33% प्रॉफिट मिल गया और निकल जाओ, लेके ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। नेगेटिव रिटर्न भी आपको मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों एक दो दिन में कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार सकता, ठीक है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ दोस्तों कंपनी का जो मैनेजमेंट है और दोस्तों कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, ये आपके सामने यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, एंड ग्रोथ यहाँ पर देख लो, प्रॉफिटेबिलिटी दोस्तों एंड ग्रोथ यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, देख लीजिए सब कुछ सही है। और यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है, ग्रोस प्रॉफिट में दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, पहले तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, -28 के आसपास था, यहाँ पर भी -28 के आसपास था, मतलब सॉरी बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब क्या है दोस्तों पॉजिटिविटी आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं पॉजिटिविटी आ रहा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी, ऑपरेटिंग मार्जिन में भी यहाँ पर पॉजिटिविटी आ रहा है, पहले तो बहुत ही ज़्यादा ये मतलब बहुत ज़्यादा लॉस दे चुका था, अब इसमें क्या है दोस्तों रिकवरी आ रहा है। और गवर्नमेंट अब दोस्तों किसी भी टेलीकॉम सेक्टर, जैसे कि एक मान लो कि आइडिया है, यह तो बहुत ज़्यादा इसको तो बंद होने के कगार पे भी आ रहा है, लेकिन बचेगा कौन, एयरटेल बचेगा और जियो बचेगा, जियो को तो कोई डुबा नहीं सकता, और एयरटेल दोस्तों एयरटेल के पास खुद का ताकत है और वोडा जो जियो है उसके पास पैसों का ताकत है, बेचारा फंस गया वोडाफोन आइडिया। और गवर्नमेंट इसके पास है, किसके पास है दोस्तों, वोडाफोन आइडिया के पास, इसके पास है दोस्तों गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट जिसके पास रहती है उसको कभी डूबने नहीं दिया जा सकता। और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, गवर्नमेंट क्यों है वोडाफोन आइडिया के साथ में, गवर्नमेंट क्यों दे रहा है, क्योंकि दोस्तों वोडाफोन आइडिया आपको जो हेल्प कर सकता है जीने मरने में, क्योंकि आप देख रहे हो पहले जो आपको मिलता था फोन 399 या 400 में आप जो रिचार्ज करवाते तो आपको कितना 3 मंथ चलता था, लेकिन अब वही चीज़ दोस्तों आपको 600 रुपीज़ दे के रिचार्ज करवाना पड़ रहा है, 700 रुपीज़ दे के रिचार्ज करवाना पड़ रहा है। और अब तो ऐसा भी न्यूज़ आ चुका है कि आपको पर मंथ 600 रुपीज़ देना पड़ जाएगा, मतलब कि दोस्तों 3 मंथ के लिए आपको कितना देना पड़ जाएगा, 1800 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा दोस्तों, इतना ज़्यादा जो है आपके रिचार्ज में। और जितना आप हाईली रिचार्ज करा लो आप दोस्तों, आपको पर जीबी इंटरनेट पे 20 रुपीज़ का 20 रुपीज़ आपको चार्ज देना पड़ेगा दोस्तों, सोच लीजिए। तो वो उसमें आपको वोडाफोन आइडिया हेल्प कर सकता है, क्योंकि बचेगा कौन, एयरटेल और जियो, वो दोनों मोनोपोली क्रिएट कर लेंगे, जो बोलेंगे वो करना पड़ेगा, एयरटेल 10 करेगा तो जियो 20 कर देगा, सॉरी 20 नहीं करेगा लेकिन 11 कर देगा, मतलब 1 पॉइंट इंक्रीज कर देगा, फिर एयरटेल एक स्टेप आगे जाएगा, फिर वो एक स्टेप आगे जाएगा। इसमें दोस्तों अब चाहिए क्या, एक ऐसा कंपनी जो लोगों को सहायता दे, जो लोगों को मदद करे, वो है दोस्तों वोडाफोन आइडिया, आपको मदद कर सकता है। इसलिए गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कोई भी कंपनी डूब जाए, वो भी टेलीकॉम सेक्टर से, और गवर्नमेंट जिसके साथ है दोस्तों उसको तो थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा,
तो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये जो क्वार्टरली रिजल्ट आपके सामने देखा जा रहा है, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, ये जो क्वार्टरली रिजल्ट है इसमें देख लीजिए थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखा जा रहा है दोस्तों। सेल्स में यहाँ पर देख सकते हैं, पहले तो बहुत ज़्यादा लॉस था, अब इसमें जो है शॉर्ट रिकवरिंग देखने को मिल रही है दोस्तों उस सेल्स के बाद भी यहाँ पर, और भी जो नीचे है दोस्तों इंटरेस्ट में भी यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा बहुत रिटर्न देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो मैं बोलूँगा ऐसे स्टॉक में अगर आप पैसा लगाते हो कम से कम 2 या 3 क्वार्टर रिजल्ट के लिए, 2 या 3 महीने पर 1 क्वार्टर रिजल्ट आता है तो 2 या 3 क्वार्टर रिजल्ट के लिए, मैं ज्यादा नहीं आपसे 9 मंथ या मैं आपसे 1 ईयर लेना चाहता हूं, आपको बहुत बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकता है भाई ऐसी कंपनी है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट इसके साथ है। क्योंकि देख लो पहले क्या था, मैं आपको क्वार्टरली रिजल्ट दिखाता हूं, क्वार्टरली रिजल्ट के साथ मैं आपको जो है यहां पर अर्लियर रिजल्ट को आपको कंपेयर करता हूँ दोस्तों। 1 ईयर में इसको 5% का नुकसान हुआ, वहीं पर इसको 3 महीने के अंदर 2.26% का जो है प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 2.26% का प्रॉफिट हुआ। और वहाँ पर ही दोस्तों इसको जो है, एक मिनट, वहाँ पर ही दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं फिर से जो है इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कितना 200 पॉइंट हुआ था, चलिए वो हो गया, लेकिन उसके बाद फिर देख लीजिए ये 1 ईयर का, ये जितना भी है ये 1 ईयर का दोस्तों, ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए 2.19 है, ठीक है। उसके बाद अदर इनकम में देख लेते हैं तो दोस्तों कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट में कुछ नहीं किया, और लेकिन धीरे धीरे अगर हम फाइनली अगर देखते हैं तो दोस्तों अभी 1 ईयर के अंडर में इसको कितना लॉस हुआ था, प्रॉफिट हुआ था 28.66 का, ठीक है, नेट प्रॉफिट यहाँ पर दोस्तों 87% का जो है यहाँ पर लॉस हुआ था क्वार्टरली में, ठीक है, लेकिन क्या है लॉस हो चुका है। अब क्या होना है, गवर्नमेंट जब साथ है तो दोस्तों अब प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जितने भी इसके सब्सक्राइबर थे दोस्तों वो कहाँ जा रहे थे, शिफ्ट हो रहे थे या तो जियो में या तो एयरटेल में, ठीक है। तो अब ऐसे चीज़ों पर आप फोकस कर सकते हैं, ऐसी कंपनी पर जो आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न दे सकता है। आप बोलते हो ना कि मल्टी बैगर स्टॉक चाहिए, दोस्तों मल्टी बैगर स्टॉक नहीं होता, मल्टी बैगर हमारी दुनिया होती है, वर्ल्ड होता है। पहले आप जो मोबाइल चलाते थे उसमें रैम नहीं होता था, रोम नहीं होता था, पहले क्या होता था दोस्तों सेम्बियन जाबा होता था, इस टाइप के फोन्स होते थे। लेकिन आज के डेट में दोस्तों पूछते हैं कितना रैम है तुम्हारे में, 6 GB, तेरे में कितना है, 12 GB, तेरे में कितना है, 100 GB, भाई कोई ये भी बोल सकता है कि आने वाले फ्यूचर में मेरे पास 500 है, वो भी कम रहेगा। तो वही बोल रहा हूं, मॉडर्न जनरेशन जितना ज्यादा आएगा उतना ज्यादा टेलीकॉम कंपनी को प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमें कॉल करना है, इंटरनेट तो कंपल यूज करना है भाई, खाना खाओ चाहे मत खाओ इंटरनेट तो आपको कंज्यूम करना ही है किसी भी तरह, ठीक है, इंटरनेट के बिना आप दुनिया नहीं चल सकते। इसीलिए दोस्तों इंटरनेट देने के लिए ऐसी कंपनियों को भी जिंदा रहना पड़ेगा, तो आप ऐसे कंपनी पर फोकस कर सकते हैं जो आने वाले दिनों में आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है, ठीक है। तो ये आपको जो रिटर्न देने वाला है कुछ दिनों में नहीं, आपको फोकस करना है, इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो दोस्तों गिरते हुए मार्केट में ऐसे स्टॉक को आप फोकस करो, हालांकि हो सकता है कुछ दिन गिरावट हो क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा नीचे जा रहा है, लेकिन ऐसे स्टॉक पर आपको फोकस रखना है जहां मार्केट बॉटम बनाया, आपको ऐसे स्टॉक पर खरीदारी करना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके इंक्रीज कीजिएगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ऐसे ही हम अच्छे अच्छे स्टॉक आप लोगों के लिए लाते हैं जिसमें आपको अच्छा से अच्छा बेनिफिट हो सके।